ओबीसी समाज के लोग भी अब अर्बन बॉडीज इलेक्शन में जो है रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं। फिलहाल सदन में निर्वाचन भवन के बाहर मौजूद हैं, उन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कुछ कहना है इनका। देखिए इन्होंने ये जो आप देख रहे हैं बॉडी देख रहे हैं, यहाँ पे चीफ इलेक्शन ऑफिसर ये है निकाला हुआ ऑर्डर इनका, ये देखिए आप। इसमें शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया गया, उनका कितने पे है 243D1, शेड्यूल ट्राइब का 243D2, D6 पे OBC का। अरे भाई फिर OBC को क्यों दरकिनार किया आप लोगों ने? 75 साल बीत गए आज़ादी के, 70 साल आज़ादी के बीत गए, और आपने जम्मू कश्मीर में अभी तक जब पिछली सरकारों को कोसते हैं। अरे भाई मोदी साहब आपको भी 10 साल हो गए राज करते यहाँ पे, आपने खुद कहा था उस वक्त कि धारा 370 दफा का सबसे ज़्यादा नुकसान OBC को हो रहा है। कहाँ बोला? मौलाना आजाद स्टेडियम और हीरानगर में। कब? 2014 में, जब जहाँ पे असेंबली का चुनाव हो रहे थे। तो मेरा मतलब कहने का, मोदी जी जनता कहती है झूठ बोलते हैं आप, साबित हो गया। मैं LG का भी आपको झूठ बता दिया, LG साहब का, उन्होंने 18/11/2021 को हमें राजभवन में 1:20 पे हमारे साथ वायदा किया, ऐसे छाती ठोक के किया। अब मैं कैमरा आता तो मैं सुबह फोटो खींच लेता उसके सिन्हा साहब की, कि ऐसे उन्होंने छाती ठोक के कहा पिछली बातें छोड़ो, 15/12/2021 से पहले आपका ये लागू हो जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है, झूठ बोलना गीता में भी लिखा महापाप है, लेकिन ये गीता की कसम और कुरान की कसम और ये संविधान की कसम खा के कहते हैं कि हम जो करेंगे न्याय करेंगे। बिल्कुल जी, ऑर्डर निकल गया है, ऑर्डर निकला हुआ। देखिए आपकी बात सही है कि लेकिन सरकार की पावर होती है, सरकार के पास, वो फिक्स डेट पे भी इलेक्शन करा सकती है। हम चाहते हैं, कि संविधान की धारा 243D6 और T6 के अंदर ये जब ये बात लिखी, बाबा साहब ने यह कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि OBC को 27% रिजर्वेशन दी जाए अर्बन लोकल बॉडी और पंचायती राज सिस्टम में। लेकिन जम्मू कश्मीर में 70 साल आज़ादी के बीच जाने के बाद भी 10 साल मोदी सरकार को भी पूरी होती तो हम यहाँ नहीं आते, ये हमें मजबूर जहाँ पे आए हैं ये इस प्रोटेस्ट को करने के लिए। ये 243D6 और T6 इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, हमें इसमें रिजर्वेशन पंचायती राज और लोकल बॉडी में हमें रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। ये हमारा जो है मेन मुद्दा जो है, ये हमारी आज 8-10 ऑर्गेनाइजेशन जो है इकट्ठे हो गए यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये हमारी बार बार हमें इसके लिए ये प्रोटेस्ट जो है हमें करने पड़ रहे हैं, और आज भी ये प्रोटेस्ट जो है इसके लिए हमने किया हुआ है। भगत अमरनाथ जी, अच्छा आप मुझे बताएं 370 के बाद ही आप लोगों की डिमांड जो है ज्यादा उग्र होगी क्या? कुछ पहले भी ऐसी रही है, उसके 370 हटने के बाद भी ऐसे ही हुआ है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो हमारे फेवर में नहीं है, और उसका लिए जो है हमें भी अब जो है अपना कोई डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, तभी जाके ये करने कोई फायदा नहीं हुआ है। बताओ आपको क्या हुआ है? आपको भी तो पता है, आप सब जानते हैं, रोजमर्रा आपका ये काम है, कोई फायदा नहीं हुआ है। इसलिए यहाँ खड़े हैं, धूप में खड़े हैं और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और सिर्फ एक बार नहीं है, हमने 50 कर दिया है ये। चलिए आप तो OBC समाज के लोग लगातार जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि लगातार हमें ULB यानी अर्बन लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन हैं उनमें जो है वो रिजर्वेशन दी जाए। बहरहाल आने वाले वक्त में क्या कुछ इकदाम LG इंतजाम की तरफ से उठाए जाते हैं, फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा क्या OBC समाज को जो है अर्बन लोकल बॉडीज में जो है रिजर्वेशन दी जाएगी या नहीं, फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल आप लोगों की क्या कुछ आया है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।